उधर छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये 3 नक्सली पिछले 15 सालों से पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच रहे थे। इन फरार नक्सलियों को अब पुलिस ने धर दबोचा है। माओवादियों से प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ये रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होते हुए नेपाल के माओवादी ठिकानों को जोड़ता है। नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र का बड़ा हिस्सा आदिवासी बाहुल्य है।